समाजवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा लेकर के निकले और इस यात्रा के द्वारा हम लोग जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं। कोरोना काल में लाखों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में जाने चली गई, क्या इस बात को लेकर के भाजपा जनता के बीच आ पाएगी? शिक्षा महंगी कर दिया कि अब गरीब का लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे, इस बात को लेकर के आ पाएगी? महंगाई बढ़ाया और इतना बढ़ाया, इतनी महंगाई कभी भी नहीं थी, इस बात को लेकर के आ पाएगी? बेरोजगारी का दर बढ़ाया, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया और सबसे बड़ी बात नारी सम्मान के नाम पर आई थी, सरेआम नारियों का चीर हड़ हुआ, क्या इस बात को लेकर के जनता के बीच आ पाएगी? जनता भाजपा के चेहरे को देख चुकी है और पढ़ चुकी है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता को इस उत्तर प्रदेश में एक ही आशा की किरण है, अखिलेश यादव जी उनकी सरकार बनाएगी और भाजपा जाएगी। देखिए भाजपा हिंदुत्व के नाम पर लोगों की जो गोलबंदी कर रही थी, हम लोग अपने लोगों के बीच जाकर इसी बात को तो बता रहे हैं कि जब वोट लेना होता है तो तुम हिंदू हो जाते हो और जब हक और हिस्सा देने की बात हो जाते हो तो तुम दुनिया बिन दलदार और मल्लाह हो जाते हो। तो अब भाजपा के इस धर्म के छलावे में लोग पढ़ने वाले नहीं है। आपने देखा होगा कि भाजपा 5 सितंबर को अयोध्या के मंदिर के निर्माण की तिथि को एक बड़े कार्यक्रम के रूप में मनाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल लेकर उतर गए तो जनता सिर्फ साइकिल देखी, उनका अयोध्या के मंदिर के निर्माण की तिथि नहीं देखी। अब जनता अपने निजी रोजी रोटी की मसाई और आने वाले 2022 के चुनाव में वह पूरी तरह से अगेंस्ट है भाजपा को। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, भाजपा के राज में किसान लगभग साल भर से सड़क पर बैठा हुआ है और इतनी संवेदनहीन सरकार है कि हजारों किसान भूख से मर गए, सड़क पर मर गए, उनकी परवाह नहीं कर रही है सरकार। पूरी तरह से इस देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और आम लोगों के लिए है सरकार, पूरी तरह से अंबानी और अडानी की है और भाजपा जो अंबानी और अडानी को जो देश की भूमि देना चाहती है, जमीनें देना चाहती है, किसान इस बात।